नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। यदि फ्रेंड आप लोगों के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और उस पर आप लोगों को लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग गाइज यहाँ पे बड़े ही आसानी से अपने SBI कार्ड का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे किस किस माध्यम से आप लोग यहाँ पे पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो चीज़ आप लोग को आज के इस एपिसोड में समझाने वाला हूँ। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा किस तरह से आप लोगों का SBI कार्ड का जो पैसा है आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं और उसको आप लोग यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। आप लोग उसको EMI के तौर पे भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे जो है इंटरेस्ट पे भी आप लोग यहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी होता है गाइज, आप लोगों को बस समझने की ज़रूरत होती है। आप लोग अगर एक बार में समझ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे 2 साल 1 साल के लिए आसानी से पैसे को ले सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे चलूँगा, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे गाइस साइड में देख लेना किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, आप लोग को क्या कुछ करना पड़ेगा सब कुछ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे सिंपली आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को SBI कार्ड का जो ऐप है, वेरीफाइड ऐप, अगर आप लोगों के पास SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो आप लोगों के पास ये SBI कार्ड ऐप ज़रूर होगा। अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं है तो आप लोग अपने SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस ऐप पर लॉगिन हो जाइएगा, क्योंकि ये जो SBI का जो ऐप है ये वेरीफाइड है, आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के सामने में यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को फ़ंड अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे EMI एंड मोर के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आते हैं EMI एंड मोर के ऑप्शन पे तो आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ लीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे फ़ंड को ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफ़र, दूसरा ऑप्शन है फ्लैक्सी पे, यानी कि अगर आप लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई शॉपिंग कर लिया है, अगर आप लोगों का बिल जनरेट अभी तक नहीं हुआ है तो इस फ्लैक्सी पे के माध्यम से आप लोग अपने उस पैसे को आप लोग यहाँ पे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे मैंने एक विस्तार से वीडियो बना दिया है, वीडियो के ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे आई बटन पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे स्पेंड जो भी आपका लिमिट है उस पे आप लोगों को EMI कैसे बनता है। तो यहाँ पे गाइज फंड ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन पे आपको आ जाना है बैलेंस ट्रांसफ़र पे। तो यहाँ पे गाइज जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आप लोगों का 1 लाख का लिमिट है, आप लोगों का यहाँ पे 50,000 का लिमिट है, कोई मैटर नहीं है आप लोगों का। यहाँ पे सिंपली आप लोगों का जो भी लिमिट आपका एलिजिबल होगा, जो भी ऑफर होगा बैंक की तरफ से, वो लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे गाइज मेरे जो भी क्रेडिट कार्ड है इस कार्ड पर मेरा 28,000 समथिंग मेरा यहाँ पर लिमिट है, तो इस कार्ड पे मुझे यहाँ पे 50% यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लिमिट यहाँ पे यूज़ भी किया है तो मेरा लिमिट यहाँ पे कुछ कम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिनिमम मैं यहाँ पे 5,000 रुपये से लेके यहाँ पे 14,000 रुपये तक का मैं यहाँ पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ चार्ज वगैरह लगता है वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफ़र। तो बैलेंस ट्रांसफ़र पर आप जैसे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है जो भी डिटेल्स है किस तरह से आप लोगों का होता है वो चीज़ आपके सामने में यहाँ पे आ जाता है। तो ये देख सकते हैं गाइज पूरे आप लोगों को यहाँ पे 180 दिन यानी कि पूरे 6 महीने के लिए आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है 1.7%, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं लगता, ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है। अगर गाइज अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा 60 दिन के लिए, यानी कि गाइज ये देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे 60 दिन के लिए लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी लगता है 285 रुपये, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे शर्त है गाइज कि अगर आप लोगों के पास अगर SBI का कार्ड है, उस कार्ड से अगर आप लोग पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड में बिल को पेमेंट कीजिए, उस कार्ड से पैसा आप लोग चाहे पेट्रोल पंप पे चाहे आप लोग यहाँ पे किसी ऐप के माध्यम से पैसा स्वैप करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नंबर दीजिएगा, उसके बाद आपका जो भी बैंक का इशू कार्ड है वो बैंक का नाम दीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी फ़ंड को यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो फ़ंड आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक दूसरा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दिखाना चाहूँगा, दोनों प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, जो भी आपको इजी लगता है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन EMI, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ही ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे बंधा हुआ है लेकिन आप लोगों को यहाँ पे टाइम कम मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे।
अगर गाइज यहाँ पे अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग EMI में इसको पैसा आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और वहाँ पे जो अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज होता है, किसी महीने में कुछ आप लोग यहाँ पे दे देते हैं, किसी महीने में कुछ दे देते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो आपको वहाँ पे ज़्यादा चार्ज देने के लिए यहाँ पे आपको कहा जाता है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं अगर आप लोग यहाँ पे 6 महीने के लिए लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2482 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14,892 रुपये यहाँ पे आपका टोटल बनता है, और यहाँ पे आपको अमाउंट जो है दिया जाएगा आपको यहाँ पे 14,277 रुपये। तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज आपको यहाँ पे कम लगता है, लेकिन टाइम भी आपको यहाँ पे कम दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ लेना है। और उसके बाद गाइज अगर आप लोग यहाँ पे सक्षम है तो आप लोग यहाँ पे अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा, किसी भी मतलब किसी का भी दे सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये जो है आपका फ़ंड 14,000 जैसे मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये फ़ंड मेरा जो है उस बैंक के क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उस माध्यम से मैं वहाँ पे कार्ड को स्वाइप करके या फिर शॉपिंग करके या फिर किसी भी माध्यम से उस पैसे को निकाल के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको पर मंथ आपको यहाँ पे बिल के माध्यम से देना पड़ेगा। तो मुझे यकीन है आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिएगा, या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।